मेरा न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में नदियों से रेत खनन के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे। मुख्यमंत्री के मंत्री भी इन आरोपों को मनगढ़ंत बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों रेत खनन को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लोग अवैध रूप से रेत का खनन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उठते बैठते शिवराज ही याद आते हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सबूत होना चाहिए जो उनके पास नहीं है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनकी आदतें ऐसी रही है, पर उन पर कोई प्रमाण है तो बहुत सारी एजेंसियां हैं। उन्होंने कहा है कि वो अदालत में सबूत दे सकते हैं, तो अभी तक उन्हें किसने रोका था ये बताएं। रेत उत्खनन के मामलों को लेकर कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। राज्य विधानसभा में मौजूदा सत्र में विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।